देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, यह तस्वीर आज साफ हो जाएगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज मतदान हो रहा है। सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक चलेगी। इसके बाद चुनाव के नतीजे आज ही घोषित कर दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने जगदीप धनखड़ और विपक्ष ने मार्गरेट अलवा को अपना प्रत्याशी बनाया है। चुनाव अनुपातिका प्रतिनिधित्व प्रणाली के मुताबिक एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा और चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होगा। इस प्रणाली में निर्वाचक उम्मीदवारों के नामों के सामने वरीयताएं अंकित करनी होती हैं। इस चुनाव में खुले मतदान की कोई अवधारणा नहीं है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी परिस्थिति में किसी को भी मत पत्र दिखाना पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। साल 1974 के नियमों में निर्धारित मतदान प्रक्रिया में यह प्रावधान है कि मतदान कक्ष में वोट पर निशान लगाने के बाद मतदाता को मतपत्र को मोड़कर मतपेटी में डालना होता है। मतदान प्रक्रिया के किसी भी उल्लंघन पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्र को रद्द कर दिया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। इसमें मनोनीत सदस्य भी मतदान करने के पात्र होते हैं। संसद में सदस्यों की मौजूदा संख्या 788 है, जिनमें से बीजेपी के 394 सांसद हैं। जीत के लिए 390 से अधिक मतों की जरूरत होती है। बता दें कि उपराष्ट्रपति के रूप में वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को ख़त्म हो रहा है। नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे।